हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए टू जेड स्टडी एसएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। चलिए, हमारा जो आज क्लास है जीके का मॉक टेस्ट का, वो है 2 और किसके लिए है? एमटीएस और दिल्ली पुलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ बुक्स है एसएससी के लिए चाक्षु पब्लिकेशंस की तरफ से। यहाँ पे आपको एक मिलती है एसएससी गाइड की बुक और एक मिलती है मल्टीटास्किंग का प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस सेट में क्या है, आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जितने भी 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, 7 सॉल्व पेपर होंगे और इसमें 2150 से भी ज़्यादा आपका जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं वैसे होते हैं। स्टडी गाइड क्या है, आपको चैप्टर वाइज मदद करता है, आपको जो है चैप्टर वाइज स्टडी गाइड जो है आपकी मदद करता है। जैसे इसमें चैप्टर वाइज होता है, जैसे कि बताया था रीजनिंग का अलग से, इंग्लिश का चैप्टर अलग से, मैथ के चैप्टर, और ये गाइड करता है। और प्रैक्टिस सेट में मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपका 2014 से लेके 2020 तक एकदम लेटेस्ट है। ये सारे हैं आपका पीवाईक्यूज, एक तरह से मान लीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट अलग से, तो ये आपके लिए ज़्यादा सही है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी करिए, इसको भी करिए। और जो आपका एसएससी गाइड है वो कुछ इस तरह से हो, जो आपका गाइड बुक है चाक्षु का। तो दोनों बुक्स अच्छी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके बाय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया था? सबको मालूम है, हरनाज संधु को ना, इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत। 1857 के विद्रोह के लिए फांसी दिए जाने वाला पहला सैनिक कौन था? कौन थे पहले सैनिक? तो थे मंगल पांडे, मंगल पांडे थे। इन्होंने ही जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, यानी पहली लड़ाई थी स्वतंत्रता की, वो इन्होंने जंग छेड़ी थी। किसके? ब्रिटिश ऑफिसर की। क्यों? वो जो आपका भैंस का होता है और तरह के जानवर होते हैं, उन सबके खाल मिला रहे थे वो। नंबर 3, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में? यहाँ पे ये एशिया में ही है, और एशिया में जो गोबी डेजर्ट है एशियन कंटिनेंट का पार्ट है, और ये ज़्यादातर मंगोलिया और चाइना का हिस्सा कवर करता है। मंगोलिया और चाइना का हिस्सा जो कवर करता है, मंगोलिया और जो चाइना है उसका हिस्सा ये कवर करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अकबर ने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी कर दिया था लाहौर में। हाँ, फतेहपुर सीकरी से कहाँ कर दिया था? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 5, मई 2022 में किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? मई में तो किसे किया गया है? विनय कुमार सक्सेना को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6, बेरी 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 तो देखते ही विटामिन B1, कोई खास बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, भाखड़ा बांध किस नदी पे? तो इसमें ज़्यादा से दिक्कत होती है, तो ये आज याद कर लो, सतलुज नदी पे। भाखड़ा डैम कहाँ पे? भाखड़ा जो बांध है किस नदी पे है? सतलुज पे है। अब ये जो क्वेश्चन है, सबसे गर्म जो है ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह कौन सा है? तो है वीनस। इसके लिए आ जाएगा जुड़वा, यानी ट्विन जुड़वा आ जाएगा, यानी किसका जुड़वा? अर्थ का जुड़वा, वो भी क्या है? वीनस है। अगर पूछ दे सबसे चमकता हुआ यानी ब्राइटेस्ट, तो वो भी कौन है? वीनस है ना। तो ये तीन है, इसके याद रखना है, एक कौन सा है हॉटेस्ट, एक है जुड़वा और एक है चमकता हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, रॉबर्ट ब्राउन अपनी किस खोज के लिए जाने जाते हैं? किसके लिए जाने जाते हैं? न्यूक्लियस के लिए, केंद्रक के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? चंदौली नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र, है ना। चंदौली जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो डिक्लेयर हुई थी, ये 1985 में हुई थी, 1985 में इसे डिक्लेयर कर दिया था कि महाराष्ट्र में जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नाम क्या है? चंदौली। वहाँ पे संगली, सतारा, कोल्हापुर और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र है। नेशनल पार्क ये कब डिक्लेयर हुआ था? 2004 में। और प्रोजेक्ट टाइगर के लिए कब डिक्लेयर हुआ था? ये 2007। ये टोटल जो एरिया है वो है 317.67 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है कौन सा था? सबको मालूम है हड़प्पा, है ना। हड़प्पा जो है पहला खोजा गया स्थल था, हिस्ट्री क्लास मैंने करवाई थी आपको। और आपका दयाराम साहनी जो है
दयाराम सहानी इनके थ्रू ये करा गया था, दयाराम सहानी, दयाराम सहानी के थ्रू ये करा गया था 1921 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कंचनजुंगा कहाँ पे? सिक्किम। कंचनजुंगा देखा सिक्किम, दो चीजें, एक आपका राइनोसोरस है ना कंचनजुंगा में ही है, वो भी इधर आ जाएगा, और जैसे कि आपका असम में देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, तो वो भी देखते हैं असम लगा देना है, प्लस आपका बिहू ये भी देखते हैं असम लगा देना है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देखते हैं आंसर लगाते हैं। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे? शंभू महाराज किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े थे कथक से। देखिए जीके ऐसा पार्ट है ना एग्जाम्स में, SSC के एग्जाम्स में, जिसमें आपको फ्री के नंबर मिल जाते हैं कम से कम 23 या फिर 25, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होती है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं होता, मुश्किल से आप इसको 15 मिनट में निपटा दीजिए, 15 मिनट में, हो सके तो 10 मिनट में कर दीजिए, लेकिन 15 मिनट में इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आपको कम से कम जो है इतना टाइम तो देना पड़ेगा, है ना, 15 मिनट में, हो सके तो 15 मिनट में ही इसे निपटा दीजिए, क्योंकि जीके को अगर जितना टाइम दोगे उतना टाइम वो आपका खाएगा, और आपको रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ ये सब भी तो करना पड़ता है ना, तो इसमें आराम से नंबर भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस अगर आप रोज करेंगे तो, प्लस टाइम भी कम लगेगा, तो बाकी इसमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, बेसिक यूनिट ऑफ इंडक्टेंस जो प्रेरित्र की मूलभूत इकाई है क्या है? हेनरी है ना, हेनरी है, सही बात है। वेबर की क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। वेबर की क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। कूलम्ब की क्या है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज ना, यही है इलेक्ट्रिक चार्ज। और फेरेड की क्या है? फेरेड की आपका कैपेसिटेंस, लिख देता हूँ कैपे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। चलिए, छऊ का संबंध किससे? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था है ना, झारखंड से है, झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर 1, इन तीनों से है, अगर इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में आता है तो आप ये लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फरवरी 2022 में किसे 3 साल की अवधि के लिए सेबी का नया अध्यक्ष रखा गया है? रखा गया है माधवीपुरी कुछ को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन? तो कौन थे? तो सबसे प्रसिद्ध है जवाहरलाल नेहरू थे, जो तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने 1942 से लेके 45 तक अहमदनगर में जो है लिखा था इन सब के बारे में, जो बुक थी वो 1944 में लिखी गई थी मगर पब्लिश 1946 में, पब्लिश जो है पब्लिश होना यानी लोगों के पास पहुंचना, प्रिंट होना, प्रेस होना, ये सब 1946 में हुआ था, लेकिन इन्होंने कब लिख दी थी? 2 साल पहले यानी 44 में, पर 19। पंडित जसराज, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटिंग में आ जाते हैं क्लासिकल सिंगिंग। आपका जो वेब द सिंधाद है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने करवाया था? डलहाउजी ने, इसका भी आंसर मैंने आपको बता रखा है। नंबर 21, काली क्रांति किससे संबंधित? ये है पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल से। देखिए ये दोनों आंसर ना आपके होंगे नहीं अगर आपको रेवोल्यूशंस ढंग से आते हैं, क्रांति ढंग से आती है, क्योंकि मिल्क किस रंग का होता है? वाइट होता है। पेट्रोल को आप इकट्ठे देखेंगे तो ब्लैक कलर का आएगा, इसलिए इसका आंसर है पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। और भी कई तरह के होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, मैं टेलीग्राम पे इसका पूरा क्या बोलते हैं चार्ट लगा दूंगा है ना, टेलीग्राम पे इसका पूरा चार्ट लगा दूंगा आज आज आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन मैं ये लगा दूंगा पूरा का पूरा। ओके चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ? स्विट्जरलैंड में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 24, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर देखते ही दूध, जहाँ पे दूध देखा वहाँ पे लगा दिया, प्योरिटी ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 25, अब इसमें से 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था?
भगत सिंह तो जो थे उस टाइम इनका जन्म ही नहीं हुआ था। भगत सिंह तो आज़ादी में थे, इंडिपेंडेंस जो लड़ाई गई 1947 के लिए उसमें थे भगत सिंह, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव ये सब, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और है ना ये सब, मंगल पांडे ये सब उस समय थे। आज के लिए इतना ही है ना, इसे लाइक कर दीजिएगा एक बार, इसे एक बार क्या कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो कि आप बहुत कम करते हैं। कमेंट करके कोई डाउट हो बुक से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। प्लस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस करिए। PDF आपको मिल जाएगी 7 को 7 बजे तक, है ना, रेडी रहिएगा। और बाकी मैं आपको अभी वो करवा देता हूँ, सबसे पहले तो क्रांति का। और अगर कभी टाइम मिलता है तो आपको जो है एकदम डिटेल फॉर्म में मैं ये सारा करवा दूंगा कि कैसे क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं। चलिए आप कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।